छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर सियासत लगातार जारी है। एक ओर जहां बीजेपी लगातार प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर किसानों के खिलाफ वादा खिलाफी करने का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगा रही है। रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी को लेकर घमासान लगातार जारी है। बीजेपी और कांग्रेस में धान खरीदी को लेकर तलखी लगातार बढ़ती जा रही है। एक ओर जहां सीएम भूपेश बघेल केंद्र की बीजेपी सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय का कहना है कि कांग्रेस के राज में कई किसानों का रकबा शून्य हो गया है। सरकार ने किसानों को परेशान किया है, जिसके चलते किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। गिरदावली के नाम से लाखों एकड़ रकबा किसानों का कम कर दिया गया है, कई किसानों का रकबा जीरो हो गया है और वारदाना की कमी है और मतलब किसान मजबूर होकर आत्महत्या कर रहा है। यहाँ पर मतलब सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं, किसी का रकबा जीरो हो गया तो यहाँ पर नकली बीज खाद कीटनाशक भी बेचे जा रहे हैं, इस पर भी कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। एक ओर जहां बीजेपी लगातार किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बताने में जुटी हुई है। एक आध गलती हुआ तो हम लोग निर्देश दिया हुआ है, अगर कई किसान का ऐसा गलती हुआ है तो उसको तहसीलदार इस डीएम को तुरंत सुधारने का। ये पूरा जितना दान खरीदी उस समय हो रहा था 60 क्विंटल 50 क्विंटल दान खरीदी हो रहा था, अभी टन अभी कितना दान खरीदी हो रहा है, उस समय लोग 17 लाख 16 लाख किसान का दान खरीदी होता था, अभी 22 लाख किसान का दान। बहरहाल दोनों ही सियासी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वहीं इन सब के बीच कई किसान आज भी परेशान हैं। धान बिका नहीं है, जिसके चलते किसानों के हाथ खाली हैं। ऐसे में किसानों के अच्छे दिन कब और कैसे आएंगे, इसका इंतजार सबको है। धमतरी से नंद कुमार साहू के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।